एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर आप एक डीएफए लेते हैं तो डीएफए आपका एक एनएफए भी होता है, ठीक है ना। एवरी डीएफए इज ए एनएफए, क्योंकि जो डीएफए का ट्रांजिशन जो फंक्शन होता है वो एनएफए के ट्रांजिशन फंक्शन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन जो एनएफए का ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो डीएफए के ट्रांजिशन फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि एनएफए में आपका लेमडा मूव अलाउड है जबकि डीएफए में लेमडा मूव अलाउड नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा एनएफए का जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो पार्शियल होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है, जबकि डीएफए का जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो कंप्लीट होता है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन है वो एनएफए के ट्रांजिशन फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए एवरी डीएफए इज एनएफए। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी एनएफए आपके डीएफए हो। तो हम ये देखने जा रहे हैं आज के एनएफए को आप डीएफए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लैंग्वेज है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स होज सेकंड लास्ट बिट इज वन। तो सेकंड लास्ट बिट आपका वन होना चाहिए। तो लास्ट बिट लेते हैं, लास्ट बिट मान लीजिए आपका जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, लेकिन सेकंड लास्ट बिट आपका वन होगा। और सेकंड लास्ट से पहले आपका कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है जीरो वन का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जीरो प्लस वन क्लोजर। तो ये वो लैंग्वेज है जिसमें कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस लैंग्वेज की सभी स्ट्रिंग्स में सेकेंड लास्ट बिट आपका वन होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग सेकेंड लास्ट बिट वन। अब इसके लिए हम मशीन ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए एक मशीन बनाते हैं। ये मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, ये हो जाएगा 0.1, देन 1, 0, 1, एंड ये स्टेट आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज के लिए ये आपका मशीन हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मशीन है ये आपका एक एनएफए है लेकिन डीएफए नहीं है, क्योंकि इस स्टेट पर सिंबल वन के लिए आपके पास मल्टीपल मूव है। सिंबल वन के लिए आप या तो लूप ले सकते हैं या फिर आप इस स्टेट पर मूव कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर मल्टीपल मूव है आपके पास चॉइस है, और इस स्टेट को देखिए, इस स्टेट पर सिंबल जीरो और वन के लिए आपका मशीन डेड कॉन्फिगर्ड है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका एक एनएफए तो होगा लेकिन डीएफए नहीं होगा। अब हम इस मशीन को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। तो डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसके ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या हो जाएगा इस मशीन के लिए? तो ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए, ये मान लीजिए आपका क्यू नॉट स्टेट है, ये क्यू वन स्टेट है और ये क्यू टू स्टेट है। तो क्यू टू स्टेट आपका फाइनल है और क्यू नॉट स्टेट जो है आपका इनिशियल या स्टार्टिंग स्टेट है। तो क्यू नॉट स्टेट आपका इनिशियल स्टेट है, इनपुट अल्फाबेट सिंबल है 0 और 1। क्यू नॉट स्टेट पर जीरो लेने पर, क्यू नॉट स्टेट पर जीरो लेने पर आप क्यू नॉट स्टेट पर हैं, और क्यू नॉट स्टेट पर वन लेने पर आप दो स्टेट पर जा सकते हैं, क्योंकि एनएफए में चॉइसेस अलाउड होती हैं। तो या तो आप क्यू नॉट स्टेट पर रहिए या फिर आप Q1 स्टेट पर चले जाए, Q1 स्टेट पर भी जा सकते हैं। अब Q1 स्टेट को लेते हैं, Q1 स्टेट पर जीरो लेने पर आप Q2 स्टेट पर जा रहे हैं, और Q1 स्टेट पर वन लेने पर आप Q2 स्टेट पर जा रहे हैं। अब Q2 स्टेट के लिए लिखते हैं, Q2 स्टेट पर जीरो पर यहां पर कोई मूव डिफाइन नहीं है, डेट कॉन्फिगर्ड है, तो ये फाइव हो जाएगा, और Q2 स्टेट पर वन लेने पर भी कोई मूव डिफाइन नहीं है तो ये आपका फाइव हो जाएगा। तो ये इस एनएफए के लिए आपका ट्रांजिशन फंक्शन हो जाएगा। अब हम इस मशीन को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। तो डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए हम डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन यहां पर लिखने जा रहे हैं। तो आपका जो एनएफए की स्टार्टिंग स्टेट है वही आपका डीएफए की स्टार्टिंग स्टेट हो जाएगा। तो एनएफए की स्टार्टिंग स्टेट है क्यू नॉट, तो जो आपका डीएफए होगा उसकी स्टार्टिंग स्टेट भी क्यू नॉट हो जाएगी। अब जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एनएफए में एक एनएफए किस तरीके से एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। तो एनएफए में क्या होता है, आप एक स्ट्रिंग लेते हैं, उस स्ट्रिंग को एनएफए पर प्रोसेस कराते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करते समय उस एनएफए की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो जाए। मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग लिया है और एक एनएफए लिया है, उस स्ट्रिंग को आप उस एनएफए पर प्रोसेस कराएंगे, तो हो सकता है कि उस एनएफए की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो जाए, और उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद हो सकता है कि कुछ कॉपीज एनएफए की, कुछ कॉपीज डेड कॉन्फिगरेशन की वजह से डेड हो जाए, कुछ कॉपीज नॉन फाइनल स्टेट पर हो, या और एंड कुछ कॉपीज आपका फाइनल स्टेट पर हैं। तो अगर उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद एक एनएफए की एक भी कॉपी अगर फाइनल स्टेट पर होगी तो हम बोलेंगे कि एनएफए ने उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो एक स्ट्रिंग हम लेंगे, एक एनएफए लेंगे, उस एनएफए पर उस स्ट्रिंग को प्रोसेस कराएंगे, हो सकता है कि उस एनएफए की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो, और अगर एटलीस्ट वन कॉपी भी फाइनल स्टेट पर होगी उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद, तो हम ऐसा बोलेंगे कि उस स्ट्रिंग को एनएफए ने एक्सेप्ट कर लिया। जबकि डीएफए में क्या होता है, डीएफए आपका डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, तो यहां पर मशीन की सिंगल कॉपी वर्क करता है, ठीक है ना। और चूंकि यहां पर इसका ट्रांजिशन फंक्शन कंप्लीट होता है, तो जब आप इसको एक स्ट्रिंग देंगे तो
उसकी सिंगल कॉपी वर्क करेगी। तो उस स्टूडेंट को प्रोसेस करने के बाद आप या तो फाइनल स्टेट पर होंगे या नॉन फाइनल स्टेट पर होंगे, यहां पर मल्टीपल कॉपीज क्रिएट नहीं होंगी। तो देखिए क्यू नॉट स्टेट से हमने स्टार्ट किया, सिंबल जीरो लेने पर, सिंबल जीरो लेने पर हम जा रहे हैं क्यू नॉट स्टेट पर, सिंबल जीरो लेने पर हम जा रहे हैं क्यू नॉट स्टेट पर। लेकिन सिंबल वन लेने पर इस एनएफए में हम दो स्टेट पर जा सकते थे, या तो क्यू नॉट पर जा सकते थे या फिर क्यू वन पर जा सकते थे। हम यहां पर मशीन की टू कॉपीज क्रिएट होती थी, लेकिन चूंकि डीएफए आपका ट्रांजिशन यहां पर कंप्लीट होता है और यहां पर सिंगल कॉपी मशीन की बनती है, तो इसलिए हम यहां पर दो स्टेट पर नहीं जा सकते हैं, हम केवल यहां पर सिंगल स्टेट पर ही जा सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम क्यू नॉट और क्यू वन स्टेट को मर्ज करके एक नई स्टेट बना देंगे। तो यहां पर फिर हम बोल सकते हैं कि क्यू नॉट स्टेट पर वन मिलने पर हम क्यू नॉट क्यू वन स्टेट पर जाएंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि यहां पर मल्टीपल मूव अलाउड है, मशीन की मल्टीपल कॉपीज यहां पर क्रिएट हो सकती है, लेकिन उस मॉडल में मशीन की सिंगल कॉपी आपका वर्क करेगी, मल्टीपल कॉपीज यहां पर अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों स्टेट्स को मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बना देंगे, ताकि हम ऐसा बोल सके कि ये जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डीएफए है वो वन मिलने पर क्यू नॉट क्यू वन स्टेट पर जा रहा है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्यू नॉट स्टेट जो है वो तो आपके लिए ऑलरेडी नॉन है, आपको पता है कि क्यू नॉट स्टेट आपका जो है स्टार्टिंग स्टेट है, लेकिन अब वहां पर आपको एक नई स्टेट मिली। नई स्टेट क्या है, नई स्टेट है आपका क्यू नॉट क्यू वन। तो इस नई स्टेट के लिए हम यहां पर मूव डिफाइन करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, क्यू नॉट स्टेट पर जीरो जाने पर आप जा रहे थे क्यू नॉट पर, और क्यू वन स्टेट पर जीरो जाने पर आप जा रहे थे क्यू टू स्टेट पर, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक कॉपी तो क्यू नॉट स्टेट पर जाएगी, एनएफए की एक कॉपी क्यू नॉट स्टेट पर जाएगी, और एनएफए की दूसरी कॉपी क्यू टू स्टेट पर जाएगी। अब चूंकि वहां पर सिंगल कॉपी वर्क कर रही है, तो उनको अगर आप कंबाइंड कर दें, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्यू नॉट क्यू वन पर जीरो मिलने पर आप क्यू नॉट क्यू टू स्टेट पर जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर देखिए मल्टीपल कॉपी चलती है, वहां पर सिंगल कॉपी चलेगी, तो वहां पर वर्क करने के लिए हम स्टेट्स को मर्ज करते जाएंगे, और मर्ज तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें कोई नई या एक्स्ट्रा स्टेट मिलना बंद ना हो जाए। तो Q0 Q1 स्टेट पर जीरो मिलने पर हम जाएंगे Q0 Q2 स्टेट पर, तो ये नई स्टेट हमें मिल जाएगी Q0 Q2। इसी तरीके से Q0 Q1 स्टेट पर वन मिलने पर हम मूव करेंगे Q0 Q1 Q2 स्टेट पर, तो वन मिलने पर हम मूव करेंगे Q0 Q1 Q2 स्टेट्स पर। अब देखिए क्यू नॉट क्यू वन के लिए आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन यहां पर फिर आपको दो नई स्टेट मिली, क्यू नॉट क्यू टू एंड क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। तो हम इसके लिए मूव डिफाइन करते हैं क्यू नॉट क्यू टू। तो क्यू नॉट क्यू टू पर जीरो मिलने पर हम जा रहे हैं क्यू नॉट स्टेट पर, एंड क्यू नॉट क्यू टू पर वन मिलने पर हम जा रहे हैं क्यू नॉट क्यू वन स्टेट पर। अब देखिए क्यू नॉट हमारे लिए ऑलरेडी नॉन है, क्यू नॉट क्यू वन भी हमारे लिए ऑलरेडी नॉन है, एक नई स्टेट एक अननोन स्टेट अभी भी हमारे पास है क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। तो हम इसके लिए भी डिफाइन करते हैं क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू के लिए भी। अब क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू स्टेट पर जीरो मिलने पर हम मूव कर रहे हैं क्यू नॉट क्यू टू स्टेट पर, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू पर वन मिलने पर हम मूव कर रहे हैं क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू स्टेट पर। अब देखिए यहां पर अब आपके कोई भी नई स्टेट नहीं मिल रही है, ये स्टेट भी आपके लिए नॉन है, ये वाली स्टेट भी नॉन है, ये वाली स्टेट भी आपके लिए नॉन है, और ये वाली स्टेट भी आपके लिए नॉन है। आपको अब कोई नई अननोन स्टेट यहां पर नहीं मिल रही है, तो हम यहां पर इस प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। अब देखिए स्टार्टिंग स्टेट तो आपकी क्यू नॉट हो गई, स्टार्टिंग स्टेट तो आपकी क्यू नॉट हो गई, लेकिन यहां पर हम फाइनल स्टेट किसको मानेंगे। देखिए हम जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एनएफए किस तरीके से वर्क करता है, एनएफए के स्ट्रिंग को लेता है, उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती है, और हमने क्या क्लेम किया था कि अगर एटलीस्ट वन कॉपी भी फाइनल स्टेट पर होगी तो एनएफए उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। एटलीस्ट वन कॉपी भी अगर फाइनल स्टेट पर होगी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एक कॉपी फाइनल स्टेट पर होना चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इस डीएफए में आप एक स्ट्रिंग को ले रहे हैं और उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अगर डीएफए आपका क्यू नॉट क्यू टू स्टेट पर है, इसका क्या मतलब है, DFA अगर आपका Q0 Q2 स्टेट पर है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो NFA होगा, एक NFA आपका Q0 स्टेट पर होगा और दूसरा NFA आपका Q2 स्टेट पर होगा। अब अगर आपका ये NFA Q2 स्टेट पर है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग आपका NFA में एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वो सेम स्ट्रिंग यहां पर भी एक्सेप्ट होना चाहिए। या मान लीजिए आप किसी स्ट्रिंग को इस DFA को दे रहे हैं और इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अगर DFA आपका Q0 Q1 Q2 स्टेट पर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर उस सेम स्ट्रिंग को अगर आप उस NFA को देंगे तो NFA की थ्री कॉपीज क्रिएट होंगी, या मोर देन थ्री भी हो सकती है, बट एट द एंड NFA
जो होगा वन कॉपी आपका क्यू नोट स्टेट पर होगी एनएफए की, सेकंड कॉपी क्यू वन स्टेट पर होगी और एनएफए की थर्ड कॉपी क्यू टू स्टेट पर होगी। अब क्योंकि एनएफए की एक कॉपी क्यू टू स्टेट पर है तो वो स्ट्रिंग को एनएफए एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो स्ट्रिंग यहां पर भी आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर वो सभी स्टेट्स को हम फाइनल कर देंगे जिसमें आपका क्यू टू आ रहा होगा। अब क्यू टू किस किस में आ रहा है, क्यू टू एक तो आपका इसी स्टेट में आ रहा है, तो ये स्टेट हमारा फाइनल हो जाएगा और ये वाला स्टेट भी हमारा फाइनल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो हम ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करेंगे डीएफए के लिए। ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करने के बाद में वो सभी स्टेट्स जिसमें फाइनल स्टेट्स आ रही होंगी उन सभी स्टेट्स को हम फाइनल कर देंगे। जैसे क्यू टू आपका फाइनल था, यहां पर क्यू टू आ रहा है, ये भी फाइनल हो जाएगा और आपका ये भी फाइनल हो जाएगा। तो ये जो एनएफए जो हमने लिया था वो आपका डीएफए में कन्वर्ट हो चुका है। अब बात ये करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका एनएफए में एन स्टेट्स थी तो कन्वर्जन के बाद आपके डीएफए में कितनी स्टेट्स होंगी। फॉर एग्जांपल इस एनएफए को देखें, यहां पर आपका थ्री स्टेट्स थी, इस एनएफए को आपने कन्वर्ट किया डीएफए में और आपको फोर स्टेट्स मिल रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर मैक्सिमम कितनी स्टेट्स आपको मिल सकती है कन्वर्जन के बाद। तो जरा इस प्रोसीजर को आप ध्यान से देखिए, यहां पर आप कर क्या रहे हैं, यहां पर आप स्टेट्स को मर्ज कर रहे हैं। स्टेट्स को मर्ज करने पर आपको क्या मिल रहा है, जैसे कि आपने यहां पर स्टेट को मर्ज किया तो आपको क्यू नोट क्यू वन मिल रहा है। तो एक्चुअली में क्यू नोट क्यू वन है क्या, तो ये आपके पास एक एनएफए है, इस एनएफए को जब हम एक डीएफए में कन्वर्ट करेंगे तो मैक्सिमम हमें कितनी स्टेट्स मिल सकती है। तो मैक्सिमम कितनी स्टेट मिल सकती है वो डिपेंड करेगा कि आपको यहां पर कितने कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको यहां क्यू नोट क्यू वन क्यों मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि एनएफए में आपके पास चॉइसेस होती है। अब चूंकि एनएफए में चॉइसेस होती है, डीएफए में चॉइसेस नहीं होती है, तो डीएफए में कन्वर्ट करते समय आप उन चॉइसेस को मर्ज करेंगे, तो मर्जिंग की वजह से आपको ये एक्स्ट्रा स्टेट्स मिल रही हैं। तो एक्चुअली में ये है क्या, ये आपका इन ओरिजिनल स्टेट्स का सबसेट है, ओरिजिनल स्टेट का सबसेट है। तो अगर यहां पर आपको प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम में कितनी स्टेट्स थी, प्रॉब्लम में आपकी थ्री स्टेट्स थी, तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इसके आप कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, इसके आपके एट सबसेट पॉसिबल है। वन हो जाए फर्स्ट सबसेट हो जाएगा फाइव, सेकंड हो जाएगा क्यू नॉट, थर्ड हो जाएगा क्यू वन, नेक्स्ट हो जाएगा क्यू टू, नेक्स्ट हो जाएगा क्यू नॉट क्यू वन, नेक्स्ट हो जाएगा क्यू वन क्यू टू, नेक्स्ट हो जाएगा क्यू नॉट क्यू थ्री और नेक्स्ट हो जाएगा क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। तो टोटल यहां पर आपके टू क्यूब इज इक्वल टू एट, या आप बोल सकते हैं टू पावर क्यू सबसेट्स यहां पर पॉसिबल हैं। तो हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि अगर आप किसी एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जो पॉसिबल हैं वो हो सकती है टू पावर क्यू इंक्लूडिंग फाइव। यहां पर आपका फाइव भी इंक्लूडेड है क्योंकि यहां पर आप फाइव भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहां पर आपका क्यू टू मूव डिफाइन नहीं है तो क्यू टू के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर फाइव फाइव करके लिख सकते हैं, तो यहां पर फाइव भी आ सकता है, या आप फाइव के लिए फाइव फाइव करके भी लिख सकते हैं, तो इसमें फाइव भी आ सकता है, इसलिए इसको लिखा जाता है टू पावर क्यू। अब इसके लिए हम मशीन ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लीजिए आपका है क्यू नॉट स्टेट, क्यू नॉट स्टेट पर जीरो मिलने पर आप क्यू नॉट स्टेट पर ही जा रहे हैं, क्यू नॉट स्टेट पर वन मिलने पर आप मूव कर रहे हैं क्यू नॉट क्यू वन स्टेट पर, एंड क्यू नॉट क्यू वन स्टेट पर जीरो मिलने पर आप मूव कर रहे हैं क्यू नॉट क्यू टू स्टेट पर, एंड क्यू नॉट क्यू वन स्टेट पर वन मिलने पर आप मूव कर रहे हैं क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू स्टेट पर। क्यू नॉट क्यू टू स्टेट पर जीरो मिलने पर आप मूव कर रहे हैं क्यू नॉट स्टेट पर, एंड क्यू नॉट क्यू टू स्टेट पर वन मिलने पर आप मूव कर रहे हैं क्यू नॉट क्यू वन स्टेट पर। क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू स्टेट पर जीरो मिलने पर आप मूव कर रहे हैं क्यू नॉट क्यू टू स्टेट पर, एंड वन मिलने पर आप इसी स्टेट पर रह रहे हैं। तो इस एनएफए के करस्पॉन्डिंग ये आपका डीएफए हो जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम स्टेट्स तो हम बता सकते हैं कि अगर आपके पास एक एनएफए है, आप उस एनएफए के करस्पॉन्डिंग डीएफए में कन्वर्ट करेंगे तो मैक्सिमम स्टेट टू पावर एन हो सकती है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिनिमम स्टेट क्या होंगे। आपके पास एक एनएफए है जिसमें एन स्टेट्स हैं और उसको आप एक डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम स्टेट्स क्या होंगी, क्या वो एन होंगी या ऐसा हो सकता है कि वो एन से भी कम होंगी। एनएफए में आपका एन स्टेट्स है, उसको आप एक डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनिमम स्टेट्स कितनी होंगी, ये आपका उस एनएफए पर डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक रिडंडेंट एनएफए ले रहे हो सकता है कि आप एक रिडंडेंट एनएफए को ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी लैंग्वेज है जीरो प्लस वन एस्ट्रेक, इसके लिए हम एक एनएफए बना रहे हैं,
ये मान लीजिए आपका एक एनएफए, इसकी लैंग्वेज है 0+1 एस्ट्रिक। अगर आप इस एनएफए के करस्पोंडिंग अगर एक डीएफए बनाएंगे तो आपका डीएफए आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस एनएफए में कितने स्टेट्स थी, इस एनएफए में 4 स्टेट थे, जबकि मिनिमाइज करने पर आपको डीएफए में कितने स्टेट्स मिल रही है, 1। यानी हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं मिनिमम स्टेट जो होगी वो 1 से कम नहीं जा सकती, और मैक्सिमम जो स्टेट होंगे वो 2^q से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आप किसी एक एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पर जो स्टेट्स की रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 1 > state > 2^q। अब एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए एनएफए में मोर देन 1 स्टार्टिंग स्टेट हो। देखिए ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, डीएफए और एनएफए की डेफिनेशन से भी क्लियर था कि डीएफए और एनएफए में सिंगल स्टार्टिंग स्टेट होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी एनएफए या डीएफए में एक भी फाइनल स्टेट ना हो, एक फाइनल स्टेट हो या मोर देन 1 फाइनल स्टेट हो। मोर देन 1 स्टार्टिंग स्टेट है तो फिर उसको ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं। तो ट्रांजिशन डायग्राम में ऐसा हो सकता है कि आपके पास मोर देन 1 स्टार्टिंग स्टेट हो, तो फिर उस केस में आप अगर उसको डीएफए में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए आपका स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि ये आपका एनएफए नहीं होगा, ये आपका एक ट्रांजिशन डायग्राम होगा। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, एनएफए टू डीएफए वाला प्रोसीजर आप यहां पर लगाएंगे, तो जिसके इक्विवेलेंट एनएफए बनाएंगे उसमें इन सभी स्टार्टिंग स्टेट को मर्ज कर देंगे। इसका मतलब जो इसका ट्रांजिशन फंक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी जितनी भी स्टार्टिंग स्टेट है उन सभी स्टार्टिंग स्टेट को आप मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के बाद आप सिंगल स्टार्टिंग स्टेट बना देंगे एबीसी, और ये हो जाएगा आपका बीसी और ये हो जाएगा आपका एबी। देन आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपका जो डायग्राम है उसमें मोर देन 1 स्टार्टिंग स्टेट है, तो आप सभी स्टार्टिंग स्टेट को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन करने के बाद उसका ट्रांजिशन फंक्शन लिख दीजिए, और फिर आप उस प्रोसीजर को लगा करके उसको डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं।